नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। कल वो क्वाड की बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी और भारत की तारीफ हुई। हिंद महासागर में भारत को प्रमुख शक्ति बनाने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि क्वाड 2007 में बनाया गया एक सुरक्षा सहयोग संगठन है, जिसका मकसद हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करना है। और इसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। क्वाड में भारत का डंका बजा है, चीन पर जमकर प्रहार किया गया, चीन को सबने मिलकर घेरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत की तारीफ हुई है। तो एक तरफ क्वाड की बैठक में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों और संकल्पों की तारीफ हुई, तो वहीं क्वाड समिट में चीन पर निशाना भी साधा गया। इस समिट में बिना नाम लिए चीन पर हमला किया गया। चीन की विस्तारवादी और सैन्य गतिविधियों पर सवाल उठाए गए। साउथ चाइना सी के हालात को लेकर चीन पर सवाल खड़े किए गए। साउथ चाइना सी में कोस्ट गार्ड और सैन्य समुद्री जहाजों के खतरनाक इस्तेमाल की निंदा की गई। वहीं समुद्री सीमा से जुड़े विवादों को UNCLOS के नियमों के तहत निपटाने के लिए कहा गया है। कुछ वक्त पहले साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच भिड़ंत के मामले सामने आए, जिसे आधार बनाकर क्वाड से चीन पर जमकर प्रहार किया गया। क्वाड समिट में हिंद महासागर में भूमिका के लिए पीएम मोदी की सराहना की गई। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने पीएम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के आयोजन के लिए भारत की पहल का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हिंद महासागर में महाशक्ति है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हिंद महासागर में भारत के अनुभव और नेतृत्व से बहुत कुछ सीखना है।